तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया। देखो आपको इस एक्सरसाइज करने से पहले क्या आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अच्छे से आती है तो आप इस एक्सरसाइज को इजिली कर सकते हो। यदि आपको नहीं आती है तो आप सबसे पहले जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से बनाते हैं, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं, तो हम एक एक करके एक एक को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया देखो क्या दिया, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो हम इसको सॉल्व को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। देखो आपको साइन वैल्यू याद होगी, सिलेबस में क्या करना है आपको वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/sin 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाय टू किसकी होती है, साइन 60 की। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ये प्लस साइन एज इट इज। और साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। और ये मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या रहता है, इनटू है। और यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद कितना दिया हमारे पास, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2। अब देखो √3 के साथ इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अपन में क्या हो जाएगा, देखो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन एज इट इज, देखो 1 × 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद करेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो गया, 4। देखो अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे सेम है तो हम क्या ले लेंगे, नीचे सेम रहता तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और लिख देंगे यहाँ पे 3 + 1 कितना होता है हमारा, 4 अपॉन में 4। ये 4 से 4 कैंसिल तो हमारी कितनी आ रही, 1। हमने कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1, हमारा आंसर आ रहा है। तो अब हम करेंगे फर्स्ट का सेकंड। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो अब हम करेंगे फर्स्ट का सेकंड। देखो फर्स्ट में क्या दिया, फर्स्ट के सेकंड में सबसे पहले हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड का। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो 2 का ये हमारा क्या है, 2 × 10²⁴5, तो मतलब 2 का क्या हो जाएगा, 2 × और ये देखो 10 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। तो हमने यहाँ पे लिख दी 1। देखो यहाँ पे स्क्वायर ऐसी हम इसके साथ पूरी के साथ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और ये प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे। देखो उसके बाद ये कॉस स्क्वायर 30, हमारी कॉस स्क्वायर की कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2 और ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस साइन एज इट इज लगाया। उसके बाद क्या है, साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2 और ये हमारा स्क्वायर था इसलिए हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं और सिंपलीफाई करते हैं। मतलब देखो 2 × 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 ही होता है प्लस। और देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 दिया है, तो √3 का स्क्वायर √3 × √3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये माइनस यहाँ पे भी ऐसे सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का रूट करेंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4। तो देखो ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर 2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसके बाद करते हैं फर्स्ट का थर्ड। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड। देखो थर्ड सॉल्यूशन में क्या लिया है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। देखो सबसे पहले cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। 1/√2 क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है। ऐसी sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2√3। कितनी होती है हमारी sec 30 की वैल्यू, 2√3 होती है। और प्लस cosec की वैल्यू, cosec 30 कितनी होती है हमारी, 2 होते हैं। तो देखो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, मतलब उसका एलसीएम लेते हैं और फिर इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 को एज इट इज लिखा रहने दिए, 1/2 को हमने एज इट इज लिखा। अब पहले इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस इसके साथ इंटू जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। अपन में क्या हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा, अपन में हमारा √3 हो जाएगा। अब देखो ये हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दी, जैसे कि ए, इसको मान लीजिए ए अपॉन में बी, ए बी और ये इसको ए और ये बी, और इसकी प्रॉपर्टी सी अपॉन में डी, तो इसको क्या हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है। ये हमारी किसकी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। देखो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करना, ये इसके साथ इंटू करना है और ये दूर वाले के पास ऊपर वाले का, मतलब सी बी और सी का करना है और डी और ए का करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ मतलब इसका इसके साथ इंटू हो जाएगा और इसका इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 लिखा। तो सबसे पहले ये 3 किसके साथ इंटू हो जाएगा, 1 के साथ। तो हमने यहाँ 3 का इंटू कर दिया।
अब उसके बाद क्या, टू यहाँ प्लस टू रूट थ्री, इतना है समझ में। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आगे करेंगे वन इंटू रूट थ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखे टू टू इंटू टू रूट टू, टू इंटू रूट टू, टू रूट टू प्लस। अब देखो यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू का इंटू किसके साथ करना, ये देखो यहाँ बीच में क्या लगाए इंटू लगा ये यहाँ पे, और टू का इंटू करेंगे टू के साथ, रूट टू का इंटू किसके साथ करेंगे टू का कर दिया, तो यहाँ पे टू रूट टू आ गया। अब रूट टू का थ्री के साथ तो क्या हो जाएगा रूट के साथ रूट का इंटू हो जाएगा, तो टू का टू ऐसे कैसे जाएगा, देखो रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स, इतना आ गया समझ में। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखो अब क्या करेंगे नीचे रूट में वैल्यू आती तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजिंग करते हैं, रेशनलाइजिंग करेंगे लेकिन क्या हो जाता हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइजिंग करेंगे और क्या उनका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स अपॉन में भी क्या जाएगा टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, हमने क्या कर दिया दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब देखो इसका इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो हमने ऐसे रूट थ्री को एज इट इज निकाल लिया, इन दोनों में से हमने क्या टू को बाहर निकाल लिया, टू को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट टू माइनस रूट सिक्स, ये हमारा बचेगा इतना बच गया। अब देखो अब इसका इसके साथ अब इनको काटते हैं, देखो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू में क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को एक इसको मान लेंगे टू रूट टू, तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्स रूट, क्या जाएगा टू रूट सिक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो इतना समझ में, अब देखो आगे क्या करेंगे ये अब रूट का इसके साथ इंटू कर देते हैं अंदर, क्या कहते हैं रूट थ्री का इसके साथ इंटू करेंगे, टू को बाहर निकाल लिया हमने टू को बाहर ही रहने दिया, और इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो आएगा रूट सिक्स माइनस रूट एटीन, ये थ्री का इसके साथ इंटू कर दिया, थ्री का इंटू किया रूट सिक्स के साथ, रूट थ्री का इंटू किया रूट टू के साथ, रूट थ्री का इंटू किया रूट एटीन के रूट सिक्सटीन के साथ। अब देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर आएगा, सबसे पहले टू के साथ स्क्वायर करेंगे, टू का स्क्वायर क्या हो जाता है फोर हो जाएगा, अब फोर अब टू रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा टू, इसलिए हमने क्या कर देखो टू के साथ स्क्वायर, टू के साथ स्क्वायर किया फिर रूट टू का स्क्वायर किया, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है टू होता है, तो फिर यहाँ माइनस साइन एज लगाएंगे ऐसे टू का फिर स्क्वायर किया इंटू रूट सिक्स का इंटू किया, रूट सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट सिक्स का सिक्स हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट और यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा टू यहाँ पे लेकिन रूट सिक्स माइनस रूट एटीन, इसको एज एट इज लिखा अपन में क्या आएगा फोर इंटू एट माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर, यहाँ पे ट्वेंटी फोर हो जाएगा फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर। अब देखो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो इतना समझ में आया, अब क्या करेंगे इसको एज एट इज लिखते हैं, यहाँ पे लगा टू और यहाँ पे लगा सिक्सटीन सिक्स माइनस सिक्स टू माइनस एट रूट अपन में क्या हो जाएगा। अब देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस का सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन बचेगा, देखो माइनस सिक्सटीन बचेगा, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है माइनस का एट, देखो माइनस का एट बच रहा है, इसको अभी प्लस का करना है पॉजिटिव साइन करना है, तो क्या करते हैं ऊपर की वैल्यू चेंज करते हैं, या तो आप ऐसा करो यहाँ पे भी माइनस का साइन इंटू कर दो और यहाँ पे भी माइनस का साइन इंटू कर दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो कितना आएगा माइनस सिक्स, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा रूट एटी, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा एट, और इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, पहले लिखेंगे प्लस की वैल्यू रूट एटी माइनस रूट सिक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एट, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, तो अब हम करेंगे फर्स्ट का फोर्थ, देखो इसमें क्या दिया साइन थर्टी सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले हमको क्या दिया साइन थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है हमारी वन बाय टू, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे वन बाय टू प्लस, ये प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद पूछा हमसे टेन फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है हमारी वन होती है, टेन फोर्टी फाइव की वन, और ये माइनस साइन हमने एज इट इज लगा दिया। उसके बाद पूछा कॉस एक्स सिक्सटी, कॉस एक्स सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है हमारी रूट टू रूट थ्री, क्या होती है हमारी कॉस एक्स सिक्सटी टू रूट थ्री होती है। अब देखो ऐसी सेक थर्टी, सेक थर्टी की वैल्यू हमारी क्या होती है टू रूट थ्री, क्या होती है टू रूट थ्री प्लस, ऐसी कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू हमारी क्या होती है वन बाय टू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन बाय टू, और ये प्लस साइन था तो हमने ये प्लस साइन एज इट इज लगा दिया। उसके बाद क्या दिया कॉट फोर्टी फाइव, कॉट फोर्टी फाइव की वैल्यू हमारी कितनी होती है वन, हमने यहाँ पे वन लगा दिया। अब देखो अब आगे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा क्या आएगा टू रूट थ्री,
टू रूट थ्री आ जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, ऊपर वाले को कर रहे, देखो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे, तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, टू रूट थ्री आ रहा है। तो देखो इसमें किसका इंटू हो जाएगा, रूट थ्री का, क्योंकि टू इफ एल सी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टू रूट थ्री, जैसे हमने यहाँ पे भी क्या होगा, टू रूट थ्री का इंटू, यहाँ पे रूट थ्री का हुआ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट थ्री का इंटू हुआ। ऐसे हमने यहाँ पे मतलब वन है, तो मतलब यहाँ पे टू रूट थ्री बनाना है, तो यहाँ पे इंटू किसका करना पड़ेगा, टू रूट थ्री का। ऐसे हम तो आपको आते होंगे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, टू रूट थ्री का इंटू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू रूट थ्री, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमारा कैसे साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का साइन था, ये हमारा माइनस का साइन था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस टू इंटू टू फोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री था, रूट थ्री के साथ टू रूट थ्री चाहिए था, तो हमने यहाँ पे किसका इंटू हो जाता, टू का इंटू हो जाता। अब देखो अब इसका करेंगे नेक्स्ट, अब देखो नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले भी क्या हो जाएगा, हमारा टू रूट थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू रूट थ्री। एलसीएम लेंगे कितना, एलसीएम कितना आएगा, टू रूट थ्री आएगा, तो इसको भी याद करेंगे इसका इसके साथ। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, टू रूट थ्री, तो इसके साथ ये पूरा कितना होगा, टू रूट थ्री होगा, मतलब नीचे हमने टू रूट थ्री, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर प्लस, ये प्लस का साइन था, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री, और यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम थे। अब इसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, प्लस में तो क्या आएगा, थ्री रूट थ्री, और ये माइनस फोर, माइनस फोर एज इट इज लेगा। अब देखो नीचे क्या दिया, फोर, हमने यहाँ पे लिखा फोर, और ये प्लस में क्या दिया, प्लस, और कितना दिया, थ्री रूट थ्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री। अब देखो जब नीचे हमारे रूट में वैल्यू नहीं आना चाहिए, और सबसे पहले जब हम रैशनलाइजिंग करते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि सबसे पहले लगते हैं आगे बड़ा वायर लगती है, फिर पीछे छोटा वायर लगती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, साइन चेंजेस करते हैं। अब देखो ये हमारा फोर है, जब हम थ्री का, जब थ्री को ये रूट से हटाएंगे, तो हमारा कुछ 5.7 या 5.6 के बीच में ऐसी कुछ वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ये बड़ा होगा। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपन में क्या आएगा, थ्री रूट थ्री प्लस में फोर। क्यों, क्योंकि हम रैशनलाइजिंग करेंगे, हमारे रूट में वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते हैं सबसे बड़ा। तो देखो इतना आया समझ में किस तरीके से। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, अब इसका रैशनलाइजिंग करते हैं, रैशनलाइजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपन में क्या हो जाएगा, हमारा थ्री रूट थ्री माइनस में फोर। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, मतलब इसको देखो रूट थ्री क्या, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, तो एक तरीके से क्या बन गई, हमारी आइडेंटिटी बन गई, हमने क्या बन गई, हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे आगे, हम क्या करते हैं, आप इसको आइडेंटिटी को हम खोलेंगे, कौन सी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस, देखो आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस टू ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ए स्क्वायर हमने किसको माना, थ्री को, तो थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, और हमारा क्या माइनस, ये माइनस साइन माइनस था, फिर टू को इंटू करेंगे, टू इंटू ए हमने किसको माना, थ्री रूट थ्री, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये एक इसको माना है थ्री रूट थ्री, और ये क्या हो जाएगा, एन टू में फोर हो जाएगा, बी को इसको माना है, फोर को माना था। देखो अब ये, अब ये देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले स्कोर करते हैं, थ्री का स्कोर हमारा क्या होता है, नाइन, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नाइन लिख दिया थ्री का। अब रूट थ्री का इंटू, अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू रूट थ्री का स्कोर करेंगे तो हमारा कितना होता है, रूट थ्री का स्क्वायर किया तो हमारा कितना हो रहा है, थ्री हो रहा है। अब देखो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ये माइनस साइन था, तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। अब देखो फोर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, फोर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिक्सटीन लिख दिया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी क्या करना है, थ्री का स्क्वायर करेंगे, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, और फिर रूट थ्री का करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री, और यहाँ पे लगेंगे प्लस साइन, तो हमने ये प्लस साइन एज इट इज लगा दिया। उसके बाद फोर का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आ रहा है, सिक्सटी माइनस। अब देखो इन तीनों का इंटू करते हैं, एट, देखो सबसे पहले इन दोनों का इंटू किया तो कितना आ रहा है, सिक्स, और सिक्स का, सिक्स का इंटू कर दिया इसके साथ कितना आ रहा है, ट्वेंटी फोर, तो यहाँ पे कितना आएगा, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर रूट थ्री, ट्वेंटी फोर रूट थ्री हो जाएगा अपॉन। अब देखो यहाँ पे इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन, थ्री इंटू सेवन कितना किया, थ्री इंटू, यहाँ पे कर दिए थ्री इंटू, सॉरी थ्री इंटू नाइन, नाइन इंटू थ्री किया तो कितना आ रहा है, ट्वेंटी सेवन, ये माइनस
16 को एज इट इज लगा। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है 27 प्लस 16, 9 इंटू 3 किया 27 प्लस 16 माइनस 2 24 का 24 रूट 3। और इन दोनों का इंटू करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यस माइनस करेंगे तो वहां पर कितना बच रहा हमारा 11 बच जाएगा। अब इन दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 50, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 53, कितना आ रहा है हमारा 43, कितना आएगा हमारे यहाँ पे आएगा 43, 27 प्लस 16 43 और यहाँ पे माइनस 24 रूट 3 अपन में क्या हो जाएगा हमारा 11, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो कि है इसका फोर्थ पार्ट का फर्स्ट का फिफ्थ वाला। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, तो अब हम करेंगे इसका फिफ्थ। देखो फिफ्थ में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर कैसा दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60। तो देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो हमारी कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो 5 को हमने 5 एज इट इज लिखा, उसके बाद क्या देखेंगे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 4 है तो हमने सबसे पहले लिखा 4 इंटू sec स्क्वायर 30, तो हमारी sec की वैल्यू क्या होती है, sec की वैल्यू क्या होती है 2√3, क्या होती है 2√3, और ये हमारा स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया माइनस 1045 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, देखो 1045 की 1 होती है तो स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, अपन में लिखेंगे एज इट इज। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 होती है, स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया प्लस, उसके बाद पूछे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्या होती है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं 5 इंटू उसके बाद क्या है 1/2, क्या लिखा है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे क्या है 1/4, क्यों हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 4 को एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है इतना आया समझ में। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अब ऐसे हमसे यहाँ पे पूछा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हमने यहाँ पे लिखिए 1/4, ऐसे यहाँ पे करेंगे प्लस, ऐसे यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा दिया यहाँ पे 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया आगे, देखो 1 × 5 तो कितना होगा हमारा 5 होगा, 1 × 5 क्या होगा हमारा 5 और अपन में 4 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपन में 4 प्लस लगाएंगे, देखो यहाँ पे करेंगे 4 × 4 कितना होता है हमारा 16, अपन में क्या आएगा 3 एज इट इज लिख देंगे, मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंटू में तो मतलब 1, तो हमें 1 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 3 और ये माइनस 1 था तो हमने माइनस 1 को एज इट इज लिखा। अब देखो नीचे वाला, देखो इन दोनों को आप क्या कहते हैं एलसीएम लिया, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो सीएम है तो मतलब देखो प्लस में है तो नीचे सीएम आता तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं और 3+1 को एज इट इज लिख दिया, क्या लिख दिया 3+1+3 को एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का हम भी, देखो अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आएगा 12, हमारा एलसीएम कितना आ रहा है हमारा एलसीएम आ रहा है इसका 12, पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इसका एलसीएम लिया कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 12 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 15 हो जाएगा, 3 × 5 में 7 होगा, अब इसके साथ 4 का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, कितना 4 × 60 के साथ किया 64 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में 3+1 4 अपॉन में 4, ये दोनों कैंसिल तो यहाँ पे कितना बचा 1, 1 है तो हमें क्या लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो इसमें से सबसे पहले 15 को ऐसे लिखा प्लस, इसको इसमें से माइनस कितना बचा 24, कितना बचा 42 बचेगा 52, कितना बचेगा हमारा 52 बचेगा, देखो 52 बचेगा अपॉन में क्या बचा हमारा 12 = 2, अब देखो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है 67/12, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 67/12। तो इसके बाद हम करते हैं इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड, तो जब तक आप इसको नोट करो मैं रफ करता हूँ। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको देखो करेक्ट ऑप्शन बनाना है एंड जस्टिफाई और आंसर, और हमें क्या करना है इसको जस्टिफाई करना है मतलब कि सॉल्व करके बताना है कि किस तरीके से आएगा इसका आंसर। देखो सबसे पहले हमें पास 2
टेन थर्टी अपॉन में टू अपॉन में क्या दिया अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी दिया। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन साथ में सॉल्व करके भी बताना है कि जस्टिफाई मतलब हमको सॉल्व करके बताना है किस तरीके से लाएंगे। तो यहाँ पर टू इंटू टेन थर्टी, टेन थर्टी की वैल्यू हमारी क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री, ऐसी वन प्लस यहाँ प्लस का साइन है और टेन थर्टी की वैल्यू क्या वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री होती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे टू, देखो टू इंटू वन करेंगे तो कितना आएगा टू अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा रूट थ्री हो जाएगा। अब देखो वन ये हमने वन को एज इट इज लिखा वन प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखा वन का स्क्वायर करेंगे तो वन रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा थ्री आएगा, क्या थ्री का स्क्वायर किया तो हमने थ्री आ रहा है। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, अब इसको वन बाय टू को हमने एज इट इज लिखा, क्या लिखा वन बाय टू को हमने एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा ऐसे लगा है यहाँ पे हमने क्या लिखा वन बाय टू को, वन बाय टू को एज इट इज लिखा, वन बाय रूट थ्री को एज इट इज लिखा। अब देखो नीचे देखो इसका इसके साथ इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन अपॉन में थ्री, हमने एलसीएम लिया तो ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वन टू अपॉन रूट थ्री को एज इट इज लिखा इंटू, देखो टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री अपॉन यहाँ पे क्या लिखा फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री हो जाएगा, थ्री को प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे कितना फोर अपॉन थ्री। देखो इसका इसके साथ इंटू होता है और इसका इसके साथ इंटू होता है, हमने आपको पिछली बार बताया था क्या इसका इसके साथ इंटू होगा और इसका इसके साथ इंटू होगा। तो देखो सबसे टू इंटू टू अपॉन रूट थ्री को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है टू अपॉन रूट थ्री को एज इट इज लिखा। अब फोर का किसके साथ हो जाएगा थ्री के साथ हो जाएगा और थ्री का किसके साथ हो जाएगा टू के साथ हो जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बचा हमारा टू बचा। ऐसी देखो ये थ्री को हम क्या कह सकते हैं, थ्री को हमें आप हटा के थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है थ्री, तो हमने यहाँ पे लगा रूट थ्री का ली, इसलिए यहाँ से क्या एक थ्री का है तो यहाँ पे क्या बचा थ्री अपॉन रूट थ्री, क्या बता रूट थ्री अपॉन टू बचा। तो देखो साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री अपॉन टू, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा हमारी ये साइन आंसर सही होगा। और आगे चेक करते हैं ऐसी कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन टू, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया वन अपॉन टू। ऐसी साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है टेन थर्टी की, सॉरी टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाय टू, तो मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। ऐसी साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है हमारी वन बाय टू, इसका मतलब ये भी गलत। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है फर्स्ट वाला। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, इसमें देखो यहाँ पे हमसे पूछा है ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव, वन प्लस दोनों वन माइनस, एक मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ हमारा प्लस का साइन हुआ, यहाँ पे कैसा हुआ हमारा प्लस का साइन हुआ। देखो वन माइनस तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि हमको सॉल्व करके भी बताना है ना। देखो वन तो वन का एज इट इज लिखा माइनस, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है वन, स्क्वायर दिया इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया वन प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि टेन फोर्टी फाइव का होता है। देखो वन माइनस वन क्या होता है जीरो और वन प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा टू, लेकिन जीरो के नीचे देखो कोई सा भी नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। देखो नाइनटी होगा नहीं, नाइनटी होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड होगा, तो मतलब इसका क्या होगा ये हमारा गलत होगा, वन हमारा आएगा नहीं, तो जीरो हमारा कौन सा होगा करेक्ट आंसर कौन होगा। ऐसी साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होगी वन अपॉन रूट टू, ये साइन 45 की होती लेकिन ये भी गलत होगा हमारा, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है जीरो, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ जीरो हुआ। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ, इसमें टोटल कितने पार्ट है फोर पार्ट है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो मेरा, तो अब हम करेंगे सेकंड का थर्ड। देखो सेकंड के थर्ड में क्या होती है साइन टू है, जो हमारा साइन टू है ना वो किसके इक्वल होना है टू साइन ए इज टू वेन ए इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए जिससे क्या हुई हमारे दोनों इक्वल हो, कौन हो साइन टू ए इक्वल टू में किसका होना चाहिए टू साइन ए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन टू ए, ये हमारा साइन टू ए मतलब ये टू ए है ना, यदि हमारा टू यदि मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू कोई हमारी थर्टी होगी तो इसका मतलब होगा ये टू किसको डिनोट करता है साइन किसकी वैल्यू इंक्रीज करता है थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है, और ये बाहर वाला टू क्या करता है पूरी वैल्यू को इंक्रीज करेगा किसको अकेला, देखो टू ये टू अकेला किसको करेगा थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और ये साइन टू ए मतलब किसको करेगा टू साइन ए मतलब पूरी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, सिर्फ ये थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेगा मतलब थीटा के साथ ही इंटू होगा ये पूरी वैल्यू के साथ इंटू होगा। तो ठीक है सबसे पहले कब हो सकता है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या होना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है वैल्यूज को पुट कर करके देखना है, आप वैल्यूज को पुट करोगे यदि आपकी वो वैल्यू का आंसर आ गया तो क्या होगा वही उसका आंसर होगा। जैसे हमें लगा सबसे पहले हम उठाते हैं जीरो, यहाँ पे लगा साइन टू और एक ही जगह आपको क्या लिखना है जीरो डिग्री और ये इज इक्वल टू में टू साइन ए, ए हमारा क्या है जीरो। तो देखो पहले देखो टू का इंटू थीटा के साथ करेंगे जीरो के साथ करेंगे तो हमारा तब भी क्या होगा जीरो,
और 2 इंटू साइन जीरो को एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी जीरो, ऐसे ही लिखा 2 इंटू, अब देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी जीरो होती है, तो मतलब जीरो इक्वल टू जीरो, टू के साथ जीरो किया तब भी क्या आ रहा है हमारा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब मान लो अगर मैं कोई सी वैल्यू रख के देखो तो वो क्या होगा हमारा गलत आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे रख के देखते हैं और हमने जीरो की जगह रख के देखा 30 डिग्री, हमने यहाँ 30 डिग्री रखा और यहाँ पे भी हमने क्या रख दिया 30 डिग्री रख दिया साइन का, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा 2 sin 30 डिग्री हो जाएगा, 2 sin 60 डिग्री हो जाएगा और 2 sin 30 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू है √3/√2, क्या होती है √3/2 इक्वल टू में क्या होगा 2 × 1/2। अब बताओ कि ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है बल्कि ये तो और कैंसिल हो जाएगा 1, इसका मतलब क्या हो रहा है गलत, तो हमारा सही आंसर क्या आएगा 0। ये कैसी हमारी ये गलत ऑप्शन है, ऐसे ही हम करते हैं। देखो इसके बाद फोर्थ वाला में क्या दिया है हमारा 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके बताते हैं कि हमारा आंसर कौन सा आएगा। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं 2 × अब साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या थी 1/√3 होती है और 1 को एज इट इज लिखा और टेन 30 की वैल्यू सेम लिखी है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 और यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या दिया गया है स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है स्क्वायर लगा दिया है। देखो इतना समझ में आया 2 × 1 तो कितना हो जाएगा 2/1 में क्या हो जाएगा √3। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे करें 1 − 1/1 में क्या हो जाएगा 3 का क्या करेंगे √3, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं 2/√3/1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या 3 − 1/1 में क्या हो जाएगा 3, इस तरीके से आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिया हमने। अब देखो इसको और सिंपलीफाई करते हैं और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या 2/3 × देखो अपॉन में आएगा यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा 2/ देखो 3 − 1/1 में क्या हो जाएगा 3। देखो इतना समझ में आएगा। अब देखो इसका इसके साथ इंटू जाएगा और ये ऊपर वाले के साथ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2/√3 को हमने एज इट इज लिखा, अब ये 3 किसके साथ ऊपर पहुंच जाएगा 2 के साथ हो जाएगा, ऐसे ये 2 किसके साथ पहुंच जाएगा नीचे 3 के साथ पहुंच जाएगा, तो देखो ये तो ये इससे कैंसिल होगा 2 से 2 कैंसिल। अभी देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 × √3 3 को लिख सकते हैं, तो हमने ये 3 को हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया √3 × √3, अब ये √3 इससे कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या है सिर्फ √3 बच रहा है। तो चलो चेक करते हैं किसकी वैल्यू √3 होती है, साइन 60 और 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है 3, तो मतलब √3, तो मतलब इसका आंसर क्या हमारा ये आंसर सही है। ऐसी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, तो ये की भी क्या है हमारा गलत है। तो अब हम करेंगे इसके बाद, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे, तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ 10 a + b = में क्या दिया √, और ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या दी हमारी 10 a − b, जो हमारी 10 a − b है ना 1/√3 है, तो हमें बताना है जो हमारा 0 है ना वो a + b से छोटा रहेगा और जो 90 है हमारा जो हमारी वैल्यू आएगी जो a + b की वो किसकी इक्वल रह सकती है 90 के इक्वल रह सकती है या फिर उससे छोटी रह सकती है लेकिन 90 से बड़ी नहीं हो सकती। ऐसी हमारी 0 से देखो a + b की वैल्यू बड़ी किससे रहेगी 0 से और छोटी किससे रहेगी 90 से उसके बराबर आएगी, और जो हमारी a की वैल्यू आएगी वो किसकी होगी हमारी ग्रेटर देन a की वैल्यू बड़ी होगी किससे b से, तो हमें बताना है a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे 10 सबसे पहले क्या लिखेंगे 10 a + b और इसमें √3 और यहाँ पे ये हमें सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन देखो हमने क्या लिखा 10 a + b = √3। देखो यदि हमने यहाँ से 10 को हटा दिया तो हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो देखो हमको 10 को हटाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 10 a + b, ऐसी हमारी देखो यहाँ पे 10 √3 वैल्यू किसकी होती है जिससे हमारा 10 हट जाए, देखो 10 दोनों साइड जाएगा तो हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे देखो √3 किसकी वैल्यू होगी 1060 की, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1060 हो गया। अब देखो यहाँ से ये 10 से 10 कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी इससे इंटू में था ये भी इंटू में, तो अब यहाँ पे क्या बचा a + b = में क्या बचा हमारा 60 बचा, तो इसको हम दे देंगे क्या इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे भी ऐसी सेम होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या था 10 था, ये हमारा यहाँ पे क्या था ये 10, तो a
टेन ए माइनस बी इक्वल टू में हमारा क्या दिया, वन अपॉन रूट थ्री दिया, क्या दिया है, वन अपॉन में रूट थ्री दिया है, कौन टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू में वन अपॉन रूट थ्री। अब देखो हम यहां से भी हमको टेन हटाना है, तो यहाँ पर लिखे टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू में देखो वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू किसकी होती है, थर्टी डिग्री की, किसकी टेन थर्टी की, क्योंकि हम देखो यहाँ पर टेन ही क्यों लिया है, टेन हमने इसलिए लिया है ताकि यहाँ से भी हम टेन हटा लें और ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर लें, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू में क्या बचेगा थर्टी डिग्री, और इसको दे दिया क्वेश्चन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ, एलिमिनेशन मेथड कैसे कहते हैं, तो देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू में क्या दिया हमारे पास 60 और ए माइनस बी इक्वल टू में क्या मिला है 30 डिग्री मिला। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेंगे, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 2a, ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 90 आ गया। अब ये इसमें से वैल्यू कैंसिल करी तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45, तो देखो हमारी लिए एक वैल्यू मिल गई 45 मिल गई, ए की वैल्यू हमारे लिए 45 मिल गई। अब ये हमारी यदि हम इक्वेशन वन में पुट कर दें ए की वैल्यू, उससे हमको क्या बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए जो हमारी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट हम किसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट ए की वैल्यू हम कैसे पट कर रहे इक्वेशन फर्स्ट में कर, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या दी है ए प्लस बी इज इक्वल टू में हमारी क्या दी है 60, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आई है 45, बी को एज इट इज लगा इज इक्वल टू में क्या लगा दिया हमने 60, अब बी को इधर लिखा 60 माइनस क्या कर दिया 45, तो हमारी बी की वैल्यू कितनी मिल गई, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आ गई 15 आ रही है, देखो 15 देखो हमारी जीरो से ग्रेटर आ रही है और बी की वैल्यू, और लेस देन किससे आ रही है या इक्वल देन 90 की हो सकती है, इक्वल देन हो सकती है, जरूरी नहीं है वो इक्वल ही हो, ठीक है, तो हमारी ये ए और ये हमारी बी की वैल्यू फाइंड करना थी, ये हमको फाइंड करना था। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते स्टिल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमको क्या बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, और जस्टिफाई योर आंसर और हमें इसका आंसर बताना है, जस्टिफाई करना है। देखो सबसे पहले में क्या दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन, साइन ए प्लस बी इक्वल टू में दिया साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट लेट ए की वैल्यू हमने मान ली 30 डिग्री, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने क्या मान ली, बी की वैल्यू मान ली हमने 90 डिग्री मान ली, ठीक है, तो हमसे पूछा साइन, तो यहाँ पे लगा साइन ए, साइन ए साइन ए प्लस बी, साइन ए को कितना माना हमने 30 प्लस 90, इन दोनों को प्लस कर दिया, इसको 30 ना लेके हम मान लेते हैं नहीं ज्यादा हो गया 60 मान लिया, कितनी मान ली हमने यहाँ पे इसको मान लिया 60 मान ली, ठीक है 60 माली इज इक्वल टू में क्या होगी साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी ऐसी हमने लिखा साइन ए, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है साइन 90 इज इक्वल टू में क्या आ रहा है साइन 30 प्लस में क्या हो जाएगा साइन 60, ठीक है, देखो इतना समझ में आया, तो देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है, ऐसी हमारी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी रूट थ्री बाय क्या हो जाती है 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाय टू, ये हमारी साइन 60 की वैल्यू, क्या ये दोनों इक्वल है, ये तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हमारा पहला कैसा होगा फॉल्स, ये हमारा कैसा पहला कौन सा है फॉल्स है, पहला हमारा कैसा है फॉल्स है, देखो पहला आया, अब हमारे देखो सेकंड में दूसरे में हमसे क्या बोला गया, दूसरा देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब हमारा थीटा इंक्रीज होगा, जैसे देखो हम थीटा की यहाँ पर 0 डिग्री और उसके बाद होता है हमारा 30 और उसके बाद देखेंगे 45, ये होगा हमारा 60 और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो हमें ये हमारा कैसा है ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा की देखो 0 पे क्या रहता है हमारा 0 रहता है, ठीक है 30 डिग्री पे क्या रहता है हमारा 1/2 रहता है, 45 पे क्या था 1/√2 होता है, ऐसे ही हमारा 60 डिग्री पे क्या होता है √3/2 होता है, और 90 पे हमारा क्या होता है 1 होता है साइन थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे क्या रही 1.5 हो जाएगी, ऐसे देखो इसका रूट टू की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये 2 से तो छूटी है तो समथिंग में और बड़ी हो रही है, रूट 3 है तो मतलब और बढ़ रही है, मतलब ऐसे में क्या हो रही है हमारी साइन के साथ क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, वैल्यू कैसी हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, यदि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है देखो 0 थी 0 से बाद क्या हो गई 0.5 ऐसी आप रूट 2 की वैल्यू करोगे तो देखो ये तो इससे बड़ा ही हुआ ना, जैसे कि 2 था 0 तो यहाँ पे और कौन 0.8 के पास भी समथिंग वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब 0 ही में है लेकिन 5 से तो ज्यादा बड़ी होती, नेगेटिव होता तो
छोटी हो जाती, अभी तो क्या ये बड़ी है ना, तो मतलब क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है ये हमारा सेकंड वाला कैसा है ट्रू, मतलब सेकंड वाला हमारा कैसा है सही है। अब मान लो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, देखो थर्ड में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, हमको बताना है यदि हमारा थीटा इंक्रीज होगा तो क्या हमारे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या हमारे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। चलो तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, किसका कॉस थीटा, देखो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे इसको लॉक कर लेता हूँ, अब यहीं पे देख लेना है वन रूट थ्री बाय टू वन अपॉन टू वन बाय टू और जीरो, ये हमारी वैल्यू हुई, ये जीरो की, ये थर्टी की, ये फोर्टी फाइव, ये सिक्सटी, ये नाइनटी की हो गई। देखो आप क्या होगा वन यहाँ से देखो आप जीरो रहे, जीरो के बाद क्या हो गई जीरो पॉइंट फाइव हो गई, देखो ये मतलब ये क्या हो रहा है इधर को इंक्रीज हो रही, लेकिन इधर से क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही कम होती जा रही है। देखो सर से यहाँ पे वन है, कितना है वन, तो ये वन पॉइंट नाइन मान लो, ये वन पॉइंट एट के आसपास होगी कोई सी वैल्यू, तो देखो ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ऐसे में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है ये हमारी वैल्यू गलत है, ये इसका मतलब क्या है हमारी ये क्या होगा फॉल्स, ये डिक्रीज हो रही है इंक्रीज नहीं हो रही, इसमें इंक्रीज पूछा था इसलिए हमारा कैसा ट्रू था। देखो जो कॉस थीटा ये साइन जैसे पूछा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या जो हमारी सारी वैल्यू भी जो थीटा की वैल्यू होगी ये दोनों आपस में इक्वल होगी, तो हम यहाँ भी पुट करके देख लेते हैं कि ये आपस में इक्वल होगी हर थीटा की वैल्यू पे, ऐसे हमने माना साइन थर्टी मान लिया, कितना साइन थर्टी, हमने साइन थर्टी मान लिया, क्या इक्वल टू कॉस सिक्सटी कॉस थर्टी, दोनों आपस में इक्वल होगी, देखो साइन थर्टी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही वन बाय टू, वन बाय टू आ रही, ऐसी कॉस थर्टी की वैल्यू क्या आ रही रूट थ्री बाय टू, ये दोनों इक्वल है नॉट इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो इसका मतलब ये भी कैसा है हमारा फॉल्स है। अब कॉट ए, कॉट ए इसके आता नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, यदि हमारी देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी जीरो हो तो क्या नॉट डिफाइंड होगा, हाँ कैसा होगा हमारा नॉट डिफाइंड होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या पढ़ा हुआ क्या हुआ नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये कैसा हमारा ट्रू है, कैसा हमारा ट्रू है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, तो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3।